हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप लोगों को एक खुशखबरी देना है, पता है एलिस को बॉलीवुड पे चांस मिल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शूटिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग डिपू में जाएंगे। डिपू एयरपोर्ट से हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? मुंबई जाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, अभी टमटम का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अभी पहले रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाने वाले हैं डिपू, और डिपू से उड़ान भरने वाले हैं मुंबई तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहो। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फाइनली देख सकते हो वो टमटम भी आ चुका है। उस गाड़ी पे हम लोग जाने वाले हैं अभी स्टेशन तक, और उसके बाद वहाँ से डिपू से डायरेक्ट उड़ान भरने वाले हैं हम। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग जाने वाले हैं इस गाड़ी पे स्टेशन तक। तो चलिए जल्दी बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो अबे घर को छोड़ के जा रहे हैं, नहीं पता कब तक आएंगे वापस। कब तक आएंगे? एक दो साल, थ्री फोर इयर्स के बाद। बॉलीवुड में चांस मिल गया, तुमको तो खुश होना चाहिए था, तुम इतना उदास क्यों हो? अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है मुझे चांस मिला। फाइनली अभी हम लोग स्टेशन में पहुंच चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है यार, कसम से मजा आ रहा है। और कसम से आज टाइम पे पहुंच गए तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो वरना हम लोग हमेशा लेट हो जाता है। हमारा ना गांव पे बारिश नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे टाउन की तरफ इतना बड़ा बारिश हुआ ना, बोलो ही मत, पूरा पानी पानी हो गया। अभी पहले जाते हैं टिकट ले लेते। वैसे अभी देखो ट्रेन आ चुका है, लेकिन ये हमारा ट्रेन नहीं है। हमारा ट्रेन उस साइड से आने वाला है, ये गुवाहाटी जाने वाला ट्रेन है। और इतना सारा लोग है ना, बोलो ही मत आज के, मतलब कुछ होने वाला है, मतलब पता नहीं। और वैसे मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना अच्छा बड़ा काम मिला है, मैं मुंबई जा रही हूँ। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ओवर ब्रिज से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि हम लोग का ट्रेन आ गया वहाँ पे। और ये आगे आगे एलिस, मेरा थोड़ा वेट पहले से बढ़ चुका है, ठीक है। तो सुबह से मुझे इतना टेंशन रहता है कुछ भी खाने में, शूटिंग में मोटा लगेगा क्या, मोटा लगेगा क्या बोल के, अभी मैं चिप्स खरीदा, फिर सोचे क्यों खरीदे, फिर शूटिंग में चंदा दिखेगा बोल के। मैंने बहुत बार नोटिस किया, जब भी तुम स्टेशन पे आते हो इतना ज्यादा डरते क्यों हो बताओ? मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार ट्रेन छूट गया था। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन का वो ऐप से था, वेयर इज माय ट्रेन, वेयर इज माय ट्रेन पे देख देख के मेरा सामने से ट्रेन गया, मैं तो बिंदास। उसके बाद देखा कि हमारा ट्रेन ही चला गया था। हुआ क्या था बताया, मैं और मेरे सिस्टर कहीं गए हुए थे, और उसके बाद वेयर इज माय ट्रेन मैंने अपडेट नहीं किया था, वो वाला ऐप तो वहाँ पे दिखा रहा था कि ट्रेन अभी तक आया नहीं, और हम लोग के सामने से ट्रेन चला गया। और हम लोगों ने सोचा कि ये दूसरा ट्रेन है, तो हम लोग चढ़े नहीं उसमें। मतलब मेरा जो एल्बम आने वाला है ना, उसमें ढेर सारा सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट का बहुत जरूरत है। और मैं भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी, मुझे भी पूरा अपना जितना अंदर का फीलिंग है सब निकाल दूंगी इस गाने पे, और किम्मत सबको बहुत ज्यादा प्यार देना। और वेदर देख सकते थोड़ा सा बारिश आई, फिर भी टेंशन नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस आप सब लोग कमेंट पे जरूर बताना आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं ये वाला नया वीडियो देखने के लिए। नहीं, मेरे चैनल 31,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू सो मच, और जल्दी जल्दी 50 के करवा दो। यार कसम से आज का मौसम काफी ज्यादा सेक्सी है बताए। तो गाइस फाइनली हम लोग का ट्रेन आ चुका है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ट्रेन पे। और हमारे पास है जनरल टिकट, फिर भी देखते हैं यार, अगर पीटी आया तो संभाल लेंगे, और क्या है। आप लोग अभी सिनेमेटिक का मजा लो। पहुंच चुके और आज नहीं पता यार बहुत ज्यादा भीड़ है बताए स्टेशन में। तो गाइस मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम सो जाऊंगा, बट नींद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं लैक्स स्नैक्स। ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये बच्चा।
कसम से वो बच्चा इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मत बोला भाई सिस्टर के साथ बात कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग डिपो पहुंचने वाले हैं, 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे बस। अभी एलिस आईने पे अपने आप को देख रहा है। तो गाइस इंतजार खत्म हुआ, फाइनली अभी हम लोग डिपो पहुंच गए, बस ट्रेन का इंतजार है रुकने का। और भैया लोग देखो आपको, हाय, आप अपनी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डिपो स्टेशन, और यहाँ पे हम लोग को शायद पिक करने आने वाला है। तो पहले बाहर निकल लेते हैं, उसके बाद फोन वोन करते हैं, और क्या होने वाला है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा पहले से। तो चलो बाहर करते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये है डिपो स्टेशन, और यह है सिस्टर, और अभी हम लोग को लेने आने वाला है, थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली आ गए यहाँ पे। हम लोग डिपो विशाल पे जाने वाले हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल शूट है हमारा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा सामान देख रहे हो, धीरे धीरे से वीडियो कर रहा हूँ ताकि मना ना करते। यहाँ पे देख सकते हो जिसको जो जो पसंद है सब कुछ ले सकता है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना पसंद का सामान ले रहे हैं। यहाँ पे अभी शॉर्ट डे का जा रहा है, और आपका भाई साइड नहीं लेने वाला है। क्या थोड़ी ना तू शूटिंग में पे नहीं बाद में आते भी। तो गाइस अभी मैं ट्रायल रूम पे हूँ, कुछ कपड़ा लेके आया था और ट्राई किया, और कपड़ा भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा वो नया टी शर्ट पहन के यहाँ पे जो रखा हुआ है, तो आप लोगों के सामने नया वीडियो बनाऊंगा नया टी शर्ट के साथ। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए अभी होटल पे, जहाँ पे हम लोग ठहरने वाले हैं। आज हम लोग ठहरने वाले हैं कांस रिजॉर्ट पे, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, अभी रात को शायद ज्यादा वीडियोस हम बना नहीं पाएंगे। So guys, finally, अभी हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं, और रूम काफी ज्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोग जिस रूम पे ठहरे हुए थे इससे भी ज्यादा अच्छा रूम है। और हमारा भाई कैसे देख रहा है देखो। तो रूम देखो, यही है रूम, आज का ठिकाना यही है। तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ बातें आप लोग को बताना बाकी है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। और जो बॉलीवुड बोल रहे थे ना वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।